तीनों सेना के जवान अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करते हैं, जानिए कारण। हमारे देश की सेना हमारी आन बान और शान की रक्षा करती है। आपने हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग तरह से सैल्यूट क्यों करती हैं और उनका क्या मतलब होता है? आपको देखने में तीनों सेनाओं के सैल्यूट देखने में भले ही एक से लगते हो, लेकिन आपको बता दें कि इनके सैल्यूट करने पर काफी अंतर है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैल्यूट में क्या अंतर है और इसका क्या मतलब होता है। मेक हिंदी सैल्यूट का अर्थ बहुत ही साधारण है। सभी जवान सैल्यूट करके अपने से बड़े को सम्मान देते हैं और सैल्यूट साथ में ये भी बताता है कि उनके पास इस समय कोई हथियार नहीं है और हर कोई उन पर विश्वास कर सकता है। इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना। भारतीय सेना के सभी जवान आपको कई मौकों पर सैल्यूट करते हुए दिख जाएंगे। इंडियन आर्मी के जवान अपने खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं, उनकी सारी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती है। इसके अलावा बीच की उंगली और अंगूठा आपके सिर और आईब्रो तक होता है। इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना। इनका सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी से काफी अलग होता है। इंडियन नेवी के जवान भी खुली हथेली से सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनकी हथेली नीचे की तरफ होती है। इस तरीके के सैल्यूट करने के तरीके के पीछे तर्क दिया जाता है कि पुराने जमाने में नेवी के जवान जहाज में काम भी करते थे, जिसकी वजह से उनके हाथ गंदे हो जाते थे। इसे छिपाने के लिए वो हथेली को नीचे की तरफ करके सैल्यूट करते थे और तब से ही इंडियन नेवी ऐसे ही सैल्यूट करती नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। पहले वायुसेना के जवान आर्मी की तरह ही सैल्यूट करते थे, लेकिन साल 2006 में मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए थे। नए फॉर्म वह कुछ इस तरह सैल्यूट करते हैं कि वह हथेली और जमीन में 45 डिग्री का कोण बनाती है। इंडियन एयरफोर्स इस तरह से आसमान की ओर अपने बढ़ते कदम को दर्शाती है। अब आप जान गए होंगे कि भारतीय सेना में सैल्यूट करने के तरीके अलग अलग क्यों होते हैं और इनके पीछे क्या मतलब होता है। अपनी चमकती यूनिफॉर्म में सदाबहार तिरंगे को सलाम करने का गर्व ही अलग होता है। यह नज़ारा देखकर हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है।